हिमालय की वादियों में 12,000 फीट की ऊंचाई पर उर्गम घाटी से लगभग 12 किलोमीटर पैदल यात्रा कर पहुंचा जाता है बंसी नारायण मंदिर, जहां केवल साल भर में एक ही दिन रक्षाबंधन के अवसर पर दिव्य पूजा होती है। नाम से भले ही लगता है कि कृष्ण का मंदिर होगा, पर यहां भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में विराजमान है और साथ ही गणेश तथा वन देवियों की मूर्तियां भी यहां स्थापित हैं। तो देखिए क्या कुछ इस मंदिर में है खास और क्यों सिर्फ रक्षाबंधन पर ही होती है इस मंदिर में पूजा। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। भगवान शिव व विष्णु का यह अनोखा मंदिर है बंसी नारायण। इस मंदिर का नाम क्यों बंसी नारायण पड़ा यह इतिहास के गर्व में ही है। कहा जाता है कि वन देवियां शिव व विष्णु की संयुक्त रूप से यहां पर पूजा अर्चना करती थी, जिस कारण बंसी नारायण नाम पड़ गया है। कत्यूरी शैली में बना मंदिर सुंदर पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। लोक कथाओं के अनुसार पांडव इस मंदिर को इतना बड़ा बनाना चाहते थे जहां से बद्री केदार की एक साथ पूजा हो सके, किंतु निर्माण कार्य रात्रि में ही संपन्न होना था। देवयोग से यह पूरा नहीं हो पाया। आज भी भीम द्वारा लगाए गए विशाल शिलाखंड यहां मौजूद हैं। यही नहीं, लोक कथाओं के अनुसार जब वामन अवतार नारायण ने राजा बलि के वचन के अनुसार धरती आकाश नाप लिया, तो राजा बलि का तीसरा पग अपने सर पर रखने के लिए वामन भगवान से कहा, तो पग रखते ही वामन भगवान नारायण राजा बलि के साथ पाताल लोक चले गए और बलि के दरबार में द्वारपाल बन गए थे। इधर नारायण को न पाकर लक्ष्मी परेशान हो गई थी, नारद जी के पास गई। नारद जी ने भगवान नारायण को पाताल लोक में बलि के दरबार में द्वारपाल होने की बात कही। लक्ष्मी जी ने नारद जी से पाताल लोक जाने का अनुरोध किया। नारद जी लक्ष्मी जी के साथ पाताल लोक में चले गए। देवी लक्ष्मी ने रक्षाबंधन के दिन राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और बलि ने देव लक्ष्मी को वरदान मांगने के लिए कहा, तो लक्ष्मी जी ने पति मांगा, तो राजा बलि के दरबार में द्वारपाल बने पति को मुक्त कर दिया। इसी वजह से इस स्थान पर बंसी नारायण की पूजा की जाती है। ये स्थान ऋषिकेश से चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुए हेलंग के उर्गम घाटी के ग्राम पंचायत देवग्राम पहुंचकर कल्पेश्वर उर्वा ऋषि महादेव बांसा या देवग्राम गिरा बड़ोई होते हुए बंसी नारायण पहुंचा जाता है, जो मार्ग अति दुर्गम है। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज इंडिया।